गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपने इलस्ट्रेशन नंबर 5 प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया था। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 बताता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ 80,000, सिंपल ट्रांजेक्शन है। सेकंड है बॉट गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट फ्रॉम राम 30,000, 20,000 का कैश बेसिस पे खरीदा है, 30,000 का क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है। थर्ड है कि जो गुड्स हमने कैश परचेज़ किया था ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में, वो हमने मोहन को 24 में बेच दिया। तो देखिए, हमने कैश परचेज़ किया था 20 का गुड्स हमने 24 में सेल किया है, यानी 4,000 के प्रॉफिट में। अब आगे कह रहा है कि राम का अकाउंट हमने सेटल कर दिया उसको 29,500 पे करके, देने उसको 30,000 थे, दिए हमने 29,500 यानी 500 की डिस्काउंट। फिफ्थ है कि सैलरी पे करी अजय को 8,000 रुपीज़। सिक्स्थ है अजय ने ये रिक्वेस्ट की कि उसको एडवांस सैलरी दे दी जाए 1,000 रुपये की, और हमने उसको दे दी, ठीक है। सेवन पॉइंट है कि हमने रेंट पे किया 7,000, लेकिन अभी भी 1,000 रुपये का रेंट पे करना बाकी है, यानी 7,000 रुपये दे दिए, 1,000 और बाकी, मतलब 8,000 रुपीज़ पे करने हैं। और एट पॉइंट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया 2,000, जिसका 1/4 हमने अगले साल का भी पे कर दिया है, यानी 2,000 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/4 अगर हम 4 करेंगे तो ये निकल कर आएगा 500 रुपये, यानी 2,000 में 500 रुपये अगले साल के हैं। इसका आप इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन आप देखिए। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट आप ट्रांजैक्शन देखें तो हमने कैश कुछ पेमेंट किए, रिसीव किए, तो कैश भी आएगा, गुड्स ख़रीदा है स्टॉक भी आएगा, उधार सेल किया है डेटर भी आएगा, कुछ हमने एडवांस पेमेंट कर दिए तो प्रीपेड के नाम से असेट्स आएगा। अगर एडवांस मिलता है तो लाइबिलिटी होता है, अगर एडवांस दिया जाता है तो वो असेट्स होती है। उधार परचेज़ किया है तो क्रेडिटर आएंगे, कुछ एक्सपेंसेस पे करने बाकी हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आएंगे, कैपिटल तो आएगी ही। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने बिज़नेस स्टार्ट किया 80,000 रुपीज़ की कैपिटल लगाकर। आपको पता ही है कि अगर बिज़नेस स्टार्ट करने में हम कैश लगाते हैं तो कैश आएगा, तो कैश में प्लस करेंगे हम 80,000 और कैपिटल में भी ऐड कर देंगे 80,000 रुपीज़। अब सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है हमसे कि हमने गुड्स कैश बेसिस पे परचेज़ किया 20,000 और उधार परचेज़ किया 30,000। तो देखिए, कैश अगर हम परचेज़ करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो कैश में से माइनस होगा 20,000, 30 का उधार, 20 का कैश, टोटल हमने कितना गुड्स परचेज कर लिया 50,000, तो 50,000 स्टॉक में हम प्लस कर लेंगे। जिन पर्सन से हम गुड्स उधार परचेज करते हैं वो कौन होते हैं, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में जितना उधार परचेज किया यानी 30,000 रुपीज़ वो ऐड कर देंगे। अब न्यू क्वेश्चन क्या हो जाएगी हमारी, 80 का कैश हमारे पास पहले से ही था, और अगर हम देखें तो 80 का कैश हमारे पास पहले से ही था, 20 का हमने पेमेंट कर दिया तो 60 बचा कैश, स्टॉक पहले नहीं था, 50 का परचेज़ किया तो 50,000 आ गया, क्रेडिट उधार 30,000, कैपिटल 80,000 रुपीज़। अब देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा, थर्ड ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि हमने जो कैश बेसिस पे गुड्स परचेज़ किया था वो हमने 24 में मोहन को बेच दिया, पर ये क्लियर नहीं कहा उसने कि मोहन को हमने नकद बेचा या उधार, तो हम कुछ ना कहे तो उधार मानते हैं पर्सन के नाम के आने के बाद, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हमने 20 का गुड्स सेल किया तो हमारे पास स्टॉक गया, तो स्टॉक में से 20,000 माइनस, पर उधार बेचा कितने में, 24 में, और जिनको उधार बेचते हैं वो कौन होते हैं, डेटर, तो डेटर में हम प्लस कर देंगे 24,000। 20 का गुड्स हमने 24 में बेचा तो मैं क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर पाया, तो कैपिटल में 4,000 प्रॉफिट के ऐड। अब न्यू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, कैश एज इट इज़ रहेगा 60, 50 में से 20 का सेल कर दिया, 30 का स्टॉक बचा, डेटर इंक्रीज हो गया 24 हो गया, क्रेडिटर एज इट इज़ 30, और 4,000 की प्रॉफिट ऐड होने के बाद कैपिटल 84,000। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा कि हमने राम को पे कर दिए फुल सेटलमेंट में 29,500 रुपीज़, राम को देने थे 30,000 और हमने दिए 29,500, यानी 30,000 में अगर हमने 29,500 ही पे करे तो हमें 500 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल को इंक्रीज करता है। हमने पे किए तो कैश गया होगा, तो कैश में से 29,500 माइनस, फुल सेटलमेंट मतलब क्रेडिटर का पूरा हिसाब क्लियर, तो क्रेडिटर पूरे माइनस करेंगे 30,000, और जो प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा 500 रुपीज़। तो न्यू क्वेश्चन क्या आएगी, 29,500 पे करने के बाद 60 में से कितना बचेगा, 30,500, स्टॉक एज इट इज़ 30, डेटर एज इट इज़ 24, और 500 का लॉस एडजस्ट, क्रेडिटर जीरो हो जाएंगे क्योंकि पूरा पेमेंट हो गया, और 500 का प्रॉफिट होने के बाद 84,500 कैपिटल हो जाएगी।
अब फिफ्थ ट्रांजेक्शन कह रहा है हमारा कि सैलरी हमने पे करी अजय को 8,000। ध्यान रखिएगा यहाँ अजय को सैलरी पे करी, सैलरी एक्सपेंस होता है, तो ये आप ये मत देखिएगा कि अजय हमारा कोई क्रेडिटर वगैरह है। सैलरी वर्ड क्लियर मतलब यूज़ कर दिया, मतलब वो एक्सपेंस है। हाँ, अगर ये होता कि अजय को पे किए, सैलरी वर्ड यूज़ नहीं होता तो वो हमारा क्रेडिटर का पेमेंट होता, लेकिन सैलरी पे होने की वजह से वो एक्सपेंस का पेमेंट है। सैलरी पे कर रहे हैं तो कैश जाएगा हमारे पास से, कैश में से माइनस, और एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस और लॉस कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो कैपिटल में से 8,000 माइनस हो जाएंगे। तो न्यू क्वेश्चन क्या बनेगी, 22,500 बचेगा हमारा ये अमाउंट कैश का, स्टॉक एज इट इज़ 30, 24 एज इट इज़ डेटर, और 8,000 एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद कैपिटल 76,500 रुपीज़। अब कह रहा है कि हमने एडवांस पे कर दिया अजय को सैलरी का 1,000। एडवांस पे करना हमारे लिए एक तरीके से असेट्स होती है, प्रीपेड। तो पे तो किया है तो कैश में से तो माइनस होगा 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये प्रीपेड का जो हमने असेट्स में कॉलम बनाया वहाँ ऐड हो जाएगा, और इसकी जगह कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। न्यू क्वेश्चन क्या बनेगी, 1,000 कैश पे होने के बाद 21,500 कैश में, 30 एज इट इज़ स्टॉक, 24 एज इट इज़ डेटर, और ये प्रीपेड 1,000 हो गया, और क्रेडिटर ज़ीरो हैं, कैपिटल एज इट इज़ रहेगी 76,500। और लास्ट हमारा ये है सेवन पॉइंट, सॉरी कि रेंट हमने पे किया 7,000, अभी भी 1,000 रुपये पे करना बाकी है। 7,000 रुपये हमने पे कर दिए लेकिन 1,000 अभी भी बाकी हैं, इसका मतलब हमें पे कितने करने थे, 8,000 रुपये। रियल एक्सपेंस 8,000 रुपये है, पर पे 7 किया है तो कैश में से माइनस होगा 7। पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी में जो आउटस्टैंडिंग का बनाया है वो 1,000 रुपये यहाँ लिखेंगे, और रियल एक्सपेंस कितना था 8,000, तो 8,000 कैपिटल में से माइनस करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉस रिड्यूस द कैपिटल। अब न्यू क्वेश्चन क्या बनेगी, 7,000 पे करने के बाद कैश बचा 14,500, डेट स्टॉक 30, डेटर 24 एज इट इज़, प्रीपेड एज इट इज़ 1,000, आउटस्टैंडिंग 1,000, और 8,000 एक्सपेंस पे होने के बाद कैपिटल 68,500। और लास्ट है कि हमने इंश्योरेंस पे किया 2,000, जिसमें से 1/4 एडवांस है। मैंने बताया था 2,000 रुपये में से 1/4 यानी 1/4 यानी 500 रुपये एडवांस हमने पे कर दिए हैं। 2,000 में अगर 500 इस साल के नहीं हैं तो इस साल के थे कितने, 1,500 रुपये, यानी एक्चुअल एक्सपेंस 1,500 रुपये था, लेकिन हमने पे 2,000 किए तो कैश में से माइनस 2,000 होगा। जो एडवांस पे कर दिया है वो प्रीपेड में ऐड हो जाएगा 500 रुपये, और रियल एक्सपेंस जो 1,500 वाले हैं ये कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। न्यू क्वेश्चन क्या बचेगी, 2,000 माइनस होने के बाद 12,500 कैश, 30,000 स्टॉक, 24 डेटर, 1,500 प्रीपेड, क्रेडिटर ज़ीरो, 1,000 आउटस्टैंडिंग, और 67,500 कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा ये हमारा। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन था नंबर 8। आज आप एक और इलस्ट्रेशन देख लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको दे रखा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश 50,000 और 30,000 गुड्स के साथ। जो हमने गुड्स लगाया बिजनेस में उसका 40% गुड्स हमने 25% के प्रॉफिट में बेचा, किसको, मोहन को। अब क्वेश्चन कुछ क्लियर कह नहीं रहा तो उधार बेचा। सैलरी पे करी हमने 4,000 लेकिन 1,000 रुपये भी पे करना और बाकी है। फोर्थ है इंश्योरेंस प्रीमियम, 2,000 पे किया जिसमें 500 रुपये अगले साल का जो मैंने प्रीवियस में बताया था वही है। सैलरी 1,000 रुपये प्रीपेड है जो हमने एडवांस में पे कर दी क्योंकि उसका बेटा बीमार था। और सिक्स पॉइंट है कि गुड्स 2,000 रुपीज़ का हमने फ्री में अपने कस्टमर्स को बांट दिया, और 3,000 रुपये का गुड्स अपने पर्सनल यूज़ में ले लिया। सॉल्यूशन आप देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है, आप जानते हैं ऊपर मैंने बताया आपको कि कैश तो हमने परचेज सेल किया ही है, गुड्स खरीदा है, डेटर आएंगे क्योंकि उधार बेचा है, एडवांस पेमेंट किया है तो प्रीपेड असेट्स में आएगा, आउटस्टैंडिंग कुछ देना बाकी है, और कैपिटल यहाँ पे आएगा क्योंकि उधार परचेज किया नहीं है इसलिए क्रेडिटर नहीं लिखे गए हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि बिजनेस में हमने 50,000 रुपीज़ कैपिटल और 30,000 का गुड्स लगाया, तो बिजनेस में कैश लगाया तो कैश में 50,000 ऐड करेंगे, गुड्स भी लगाया है तो स्टॉक में 30,000 ऐड करेंगे, टोटल कितना लगा दिया हमने 80,000, ये कैपिटल में ऐड हो जाए। अब सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है कि 40% जो हमने गुड्स लगाया यानी 30,000 का हमने गुड्स लगाया, तो 30,000 का 40% गुड्स कितना होता है, 40% गुड्स इसका होता है 12,000 रुपये, यानी हमने 12,000 रुपये का गुड्स बेच दिया, लेकिन 12,000 रुपये का गुड्स हमने बेचा कितने पर, हमने बेचा उसको 25% के प्रॉफिट पर, तो 12,000 रुपये का 25% कितना होता है, 3,000,
तो 12,000 रुपये का 3,000 रुपये प्रॉफिट पे गुड्स बेचा, तो यानी कितने में बेचा, 15,000, यानी हमने टोटल 12,000 का गुड्स 15,000 रुपीज़ में सेल किया। तो आप देखिए हमारे पास से 12,000 गए, तो 12,000 का स्टॉक माइनस करेंगे, पर बेचा कितने में, 15 में, 3,000 के प्रॉफिट में। और जिनको उधार बेचते हैं वो कौन होते हैं, डेटर, तो डेटर में प्लस करेंगे 15,000, 12 का हमने 15 में बेचा, तो यानी 3,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल, तो कैपिटल में 3,000 प्लस कर लेंगे। न्यू क्वेश्चन क्या आएगी, कैश एज इट इज़ 50, 12 का हमने गुड सेल कर दिया, तो 18 का बचा 30 में से, 15 डेटर बढ़ गए, और 83 3,000 प्रॉफिट एड होने के बाद कैपिटल हो जाएगी। अब थर्ड ट्रांजेक्शन है, सैलरी पे करी 4,000, जिसमें 1,000 रुपये भी बाकी है, 4,000 हमने सैलरी पे कर दी, लेकिन फिर भी 1,000 रुपये सैलरी बाकी है, तो यानी पे कितनी करनी थी, हमें पे करनी थी 5,000 रुपये, पर पे हमने 4,000 किए, तो कैश में से माइनस 4,000 जो पे करना बाकी है वो आउटस्टैंडिंग के नाम से लाइबिलिटी साइड में अलग से, और एक्चुअल सैलरी कितनी थी 5,000, 5,000 एक्सपेंस की फॉर्म में कैपिटल में से माइनस, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डिक्रीज द कैपिटल। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 50,000 में से 4,000 कैश पे होने के बाद 46,000 कैश बचा, 18,000 एज इट इज स्टॉक, 15,000 डेटर, 1,000 आउटस्टैंडिंग, और 5,000 माइनस करने के बाद 78,000 कैपिटल बच गई। अब फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारा कि हमने 2,000 रुपये इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे किया, जिसमें 500 हमारा प्रीपेड है, यानी 2,000 रुपये हमने पे तो किया, लेकिन 500 उसमें नेक्स्ट ईयर का है, तो यानी इस ईयर का कितना है, इस ईयर का है 1,500 रुपीज़। तो देखिए हमने पे तो 2,000 किया है, तो 2,000 रुपीज़ कैश में से माइनस, पर 500 रुपये एडवांस हैं, तो जो असेट्स में प्रीपेड का बनाया है उसमें 500 रुपये ऐड कर लेंगे, पर रियल हमारा जो एक्सपेंस था वो 1,500 था, वो कैपिटल में से माइनस होगा। न्यू क्वेश्चन, 2,000 पे करने के बाद हमारे पास बचे 44 कैश में, 18 एज इट इज़ स्टॉक, 15 डेटर, 500 प्रीपेड, 1,000 आउटस्टैंडिंग, और 15 में माइनस होने के बाद 76,500 कैपिटल में। फिफ्थ है कि सैलरी अभी एडवांस पे कर दी हमने अपने एम्प्लॉय को, क्योंकि उसका बेटा बीमार था, पे करी तो कैश तो कम होगा, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 1,000, पर ये अभी की नहीं है, तो एक्सपेंस नहीं हुआ, तो कैपिटल में से माइनस नहीं करेंगे, एडवांस पे करिए, तो एडवांस का जो प्रीपेड का कॉलम बनाया था वहाँ ये 1,000 ऐड कर दिए जाएंगे, अगर एडवांस नहीं होती तो कैपिटल में से माइनस होती है। अब 44 में और बन चली गई, तो 43 कैश बचा, 18 एज इट इज स्टॉक, 15 डेटर, 500 में 1,000 और एडवांस पे हो गया, तो 1,500 आउटस्टैंडिंग, 1,000 76,500 कैपिटल। और लास्ट है कि गुड्स 2,000 का और 3,000 रुपये का पर्सनल यूज़ में हमने लिया है, 2,000 का फ्री बांटा है, यानी 2,000 का तो फ्री बांट दिया, प्लस 3,000 रुपये का हमने ले लिया, तो टोटल कितना गुड्स गया बिजनेस से, 5,000 रुपये, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे 5,000, जो फ्री सैंपल बांटा है वो हमारे लिए लॉस है, क्योंकि बिजनेस में से जा रहा है, और जो 3,000 रुपये का पर्सनल यूज़ के लिए है वो भी लॉस है, तो वो भी बिजनेस से जा रहा है लॉस, और एक्सपेंस कैपिटल कम करते हैं तो कैपिटल में से भी 5,000 ये माइनस हो जाएंगे। फाइनल बैलेंस 43 एज इट इज़ कैश, 5,000 का गुड्स कम होने के बाद 13,000, डेटर एज इट इज़ 15, प्रीपेड 1,500, आउटस्टैंडिंग 1,000, और 5,000 कम होने के बाद 71,500 कैपिटल बच गई। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ ट्रीटमेंट्स हैं।